अभी उतार रहे हैं। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सुमसुम। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। मुझे पूरा दिन आज फुर्सत नहीं मिली और मैं व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ रात को 10 बजे से। मुझे याद आया मैंने कि चलो आप लोगों के साथ कुछ कुछ चीज़ें शेयर करो। हालाँकि मैं सुबह से बहुत मतलब भाग दौड़ कर चुकी हूँ, दो चक्कर वहाँ के काट आई हूँ जहाँ से कल बच्चों के कपड़े लाए थे, वहाँ से आज फिर ये आ रहा। और आपकी लिबू के लिए भी लेकर आए हैं सूट्स, इन लोगों को पहनाने हैं। पहले कुछ और पहनाना था लेकिन अब गर्मी हो गई है ना, तो फिर वो कैंसिल करके फिर मैं सूट ले आई हूँ। तो मैंने कहा चलो रोज़े में थोड़ा सा यू नो ट्रेडिशनल अच्छा लगेगा, तो उसके लिए दो तीन चक्कर कट गए। तो फिर वहाँ बहुत बिजी रही, वो भी रोज़े में, है ना। उसके अलावा फिर मैंने अभी बहुत देर से 2 घंटे से मैं पैकिंग कर रही हूँ, तैयारियाँ कर रही हूँ गिफ्ट्स वहाँ पर अभी देने। हालाँकि वो पैक्ड नहीं है अभी, वो शायद दिल्ली ही जाके पैक्ड होंगे, अभी तो यहाँ तो हुए नहीं। और अब रात के 10 बजे कोई करेगा भी नहीं और सुबह हमें जल्दी निकलना है। मैंने अपनी तैयारी कर ली है, वहाँ पर आप लोग को नज़र आ रहा होगा वो 3 बैग्स जो है, एक गिफ्ट का है, एक हमारे कपड़ों का है बच्चों के, और एक मेरा पर्सनल केयर का बैग है जिसमें बच्चों का सामान होगा, यू नो बच्चों के डायपर वगैरह ये सब। और ये मेरे 2 बच्चे आपको नज़र आ रहे होंगे। हिजू की बहुत तबीयत ख़राब है, उसको लूज मोशन, उसने मेरा ज़्यादा दिमाग ख़राब कर दिया। तो खैर बहरहाल ये सब बातें मैं अभी आपसे और बाद में करूँगी, इससे पहले मेरा खाना ठंडा हो रहा है। मैं क्या खा रही हूँ और कहाँ से आया वो आप पहले देख। मैं चाय ले रही हूँ और यहाँ पर पॉलीथीन में भी कुछ है, क्या है अभी खोल लूँ फिर दिखाती हूँ। चलो जी, मैंने पॉलीथीन खोल ली। अब आप कहेंगे पॉलीथीन में से निकाल के क्यों नहीं रखा? मैंने इसलिए नहीं रखा क्योंकि ये एसी चल रहा है और फिर मेरा सब ठंडा हो जाएगा, तो इसीलिए मैं इसे ठंडा नहीं करना चाहती। तो ये है गर्मा गर्म, मम्मी ने कचौड़ी भिजवाई थी जो कि अब गर्म नहीं है, अब नॉर्मल सी रह गई है। मुझे बहुत देर हो गई है काम करते करते, तो ये छोटी छोटी सी मम्मी छोटी छोटी सी बनाती हैं, तो ये कचौड़ी मम्मी ने भिजवाई है। मैं जल्दी से चाय के साथ खा लेती हूँ। आज मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला और हिजू ने मुझे बहुत परेशान करा है, तो सही से रोज़ा भी नहीं खोला, सही से सहरी भी नहीं करी थी। हाँ, आपने सहरी तो मेरी देखी थी ना कितनी कल खौफनाक थी। तो खैर मैं रोज़ा खोल लेती हूँ और रोज़ा नहीं खाना खा लेती हूँ, आपसे फिर मिलती हूँ थोड़ी देर। तो मैं आप लोगों को खा के बताती हूँ कि मम्मी ये कचौड़ी कैसी है। वैसे अनडाउटेडली अच्छी होगी क्योंकि मम्मी बहुत अच्छी कचौड़ी बनाती है, बहुत बहुत। और ऐसा नहीं है कि नहीं भरा हुआ होगा, तो कितना भरा हुआ आ रहा, दिख रहा अंदर से स्टफिंग, कचौड़ी की अंदर की से स्टफिंग दिख रही है कचौड़ी को। हाँ दिख रही है मम्मी, कितनी भरी हुई कचौड़ी है। हाँ बहुत टेस्टी बनाई मम्मी ने। मम्मी कचौड़ी की एक चीज़ अच्छी होती है, मम्मी ना कीमे को पीसती नहीं है, मोटा मोटा रखती है, हम लोग पीस देते हैं। अरे मैं सही से नहीं दिख रही, बहुत कैमरा टेढ़ा कर रही हूँ। हाँ ऐसे मम्मी की कचौड़ी की एक बात अच्छी होती है कि मम्मी ना बहुत मोटा मोटा सा रखती है, दरदरा सा, पीसती नहीं है ज़्यादा, तो मुझे बहुत। चलो तो मैं खा लेती हूँ फिर मम्मी, बाय मेरे बाय। लिबा खाएगी? लिबा मुझे नहीं, लिबा लिबा हमारा मगज खा जाती है। मैं ये कह रही थी, सुन रहे हैं, कल ना हम दिल्ली जाएंगे तो जंगल पड़ेगा बीच में, क्यों ना लिबा को फेंकते चले जंगल में। तीनों को छोड़ जाऊंगा, छोड़ी आओ छोड़ी आओ। और सबसे पहले तो अपनी इस लिबा, ये भी जाएगी। कल पता क्या हुआ, कल ये लोग एक रोज़ा अफ्तार पार्टी में गए हैं ना, वहाँ पर मम्मी ने सबके सामने इस मेंटल से पूछा आयरा से कि तुम्हारा रिजल्ट था क्या हुआ, तो कह रही मैं फेल हो गई। कह रही मम्मी मुझे रोना सा आ रहा था लेकिन मैं रोई नहीं सबके सामने, फिर मेरा मजाक बनता, मैं फेल हो, दादी को बताया मैं फेल हो गई। फिर दादी ने कहा छुप जा सबके सामने, सबने सुन लिया था ना, है नहीं सुना था, सुन लिया होगा, फेल नहीं हुई हो, गंदे मार्क्स आए हैं, मुझे वो मार्क्स पसंद नहीं है। इसके 75% मार्क्स आए हैं, बी ग्रेड आया है, मुझे वो बी प्लस ग्रेड जो होता है मुझे पसंद नहीं है, मुझे ए ग्रेड पसंद है। तो इसीलिए मैंने इसे बताया कि इसके गंदे मार्क्स हैं। स्कूल जाओगी? स्कूल चलो, आप स्कूल जाओगे? छोनू को गर्म कपड़े इसलिए पहनाए क्योंकि हम लोग अब एसी चलाते हैं, ये बच्चे मानते नहीं हैं और छोनू उड़ता नहीं है। जितनी बार मेरी आँख खुलती है मैं उड़ाती रहती हूँ, लेकिन छोनू भी बहुत शरारती है। स्कूल जाएगी? स्कूल पापा पहले अप्पी को तो भेज दो, मुझे बाद में भेजना, मैं तो अभी और मगज खाऊंगी मम्मी का। लिबा के लिए तो पता है लोग भी टोक रहे हैं कि लिबा को स्कूल में कब भेजोगे, लोग ही भेजते हैं उसको, वो तो बाद में भेजेंगे। तो लोग तो कहेंगे कुछ, तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अब बच्चा भी तो बड़ा हो गया है, तो मतलब छोटे तुमको सबके साथ याद है? हाँ इनको सब याद है। ये किस साल की होने वाली है? 6 साल की, 6 साल की आ रहा, वो 4 साल की होगी, 6 महीने। हाँ फिर तो ठीक है। इजू कितने मंथ्स का हो जाएगा मेरा इजू? ये पता नहीं, एक साल
आप तैयार रहना, आपको कल जंगल में छोड़कर आएंगे, ठीक है? शेर खान खाएगा आपको, ठीक है? मुझे नहीं जाना जंगल। आपको नहीं छोड़कर आऊंगी, इसी छोड़कर आऊंगी। तो जी ये है हमारी सहरी, अस्सलाम वालेकुम। ये है हमारी सहरी और आज की सहरी में बात ही क्या है, खैर खाना तो वही है जो मैं रोज़ खा रही हूँ दो तीन दिन से, लेकिन बहुत खुशी है मायके जाने की खुशी है, क्योंकि इस सहरी के बाद इंशाल्लाह हम जाएंगे अपने मायके और वहाँ का करेंगे प्रोग्राम। तो अभी टाइम हो गया 4:30 बजे, जल्दी से खा लेते हैं, पता तो चल रहा फिर से मेरी सहरी अधूरी रहेगी क्योंकि मेरा बच्चों का साथ है, खाते खाते कोई भी रो पड़ता है, तो बस मैं खा लेती हूँ फिर खाना। अभी बज रहे हैं सुबह के 5:15। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़मज़म बर्ड। अभी आप लोगों ने टाइम देख लिया है, सुबह के बज रहे हैं 5:15 और मैं बस अब सोऊंगी नहीं क्योंकि मैं अभी से कामों में लग जाऊंगी। वैसे तो जल्दी ही निकलना था लेकिन कुछ कुछ चीज़ें एंड टाइम पे हो गई हैं। एक्चुअली रात को ही 9 बजे का फ़ोन आया था कि भाभी तुम कपड़े ले आई और हमारे लिए ले आती। मैंने कहा आपके लिए? कह लेंगे नहीं, मतलब हम भी बच्चों को देंगे कपड़े तो वो हमारे लिए ले आओ। वो भी इसलिए कह रही थी, अब आप सोचेंगे क्यों मतलब हमें कपड़े नहीं मिलते, हर जगह कपड़े मिलते हैं, लेकिन थोड़ा सा इनायत का ना साइज़ का इशू रहता है, उसकी मम्मी भी लाती है ना, तो कई बार उसमें भी कितनी बार चेंज करना पड़ जाता है, एक ले आती हैं फिर वो नहीं आता या कुछ समझ में नहीं आता, साइज़ का मतलब हमेशा ही उसका इशू रहता है, तो उसके कपड़े लेने से सब डरते हैं। अच्छा पहले मैंने भी ये सोचा था कि नहीं कपड़े ना करके ना हम भी कैश दे देंगे या कुछ इस टाइप से, लेकिन फिर मैंने बहुत सोचा फिर मैंने कहा चलो एक बार ट्राई कर लेते क्या पता मिल जाए। अब मैं अपनी जानिब से ना बहुत बड़े बड़े कपड़े लाई हूँ उसके लिए, क्या लाई हूँ मैं आप लोगों को अभी दिखा दूँगी, ये तो उसको आ ही जाएंगे इंशाल्लाह। तो बाजी ने कहा था जब तुम्हें मिल गए हैं तो फिर वहीं से हमें भी ला दो, और यहाँ का ये रहेगा कि देख लेंगे बाजी को, देख लेंगे अगर टाइम मिला पूछ लेंगे, और पास की शॉप है अगर नहीं हो पाया साइज़ में, वैसे तो इंशाल्लाह आ जाएगा, बड़ा ही है, और नहीं हो पाया तो वापस भी हो जाएगा। अब वो वहाँ की किसी मार्केट से ले आए फिर पता नहीं क्या 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 क्या, खैर आप लोग समझदार हैं सब समझ गए होंगे, मैं इतनी डिटेल में नहीं जा रही। कहने का मतलब ये है कि मैं आपको वो कपड़े तो दिखा दूँगी, लेकिन मैंने ना रात को पैकिंग की है, मैंने सिर्फ पैक्ड आपको दिखाया, और जब मैं पैकिंग कर रही थी ना उस वक्त मैं इतनी उलझनों में थी मतलब मेरे जैसा कोई बंदा नहीं होगा, आप लोग बिलीव नहीं करेंगे। मैंने ना बिट्टू को कम से कम 10 फ़ोन किए, 10 बाजी ये कहाँ रखा है, बाजी वो कहाँ रखा है, बाजी ये, और तो इस बात में तो मुझे हंसी आई। मैंने एक फ़ोन किया, बाजी क्या मेरे पास ग्रे चूड़ियाँ हैं, फिर वो मुझे वहाँ बताते हैं भाभी हाँ एक थी तो तुम्हारे पास ग्रे सूट था, तुम देखो होगी तुम्हारी चूड़ियों में। तो जब वो किसी चीज़ के लिए हाँ कर देती है ना तो फिर मैं बड़ी हिम्मत से ढूंढती हूँ, फिर वो मुझे मिल भी गई, वो भी मैं पहनूंगी अभी, क्योंकि मैं अभी पहन के चली जाऊँगी भैया, फिर मत कहना कि ये मिसमैच क्या है, फिर बच्चों का यू नो आप लोगों को पता है साथ है, फिर और अगर रख के ले जाऊँ तो टूट जाएगी, तो मैं पहन के ही जाऊँगी, ठीक है? तो खैर हाँ, और आप कहेंगे कि मैं उनसे क्यों पूछती हूँ, तो जो लोग मुझे फॉलो करते हैं बहुत टाइम से, आप लोगों को सबको पता है कि बिट्टू जो है ना वो उनका और मेरा रिश्ता माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ख़ास है, बहुत ज़्यादा स्पेशल, और उसके अलावा भी अभी बिट्टू आई थी ना तो उन्होंने सारी सेटिंग की है अलमारियों की, तो उनको सब पता है, लेने देने की चीज़ें भी मतलब आई हुई थी पहले ही हम ले आए थे, वो भी वो सब सेट करके गई थी कि बाजी के लिए भाई के लिए क्या क्या है वो भी वो सेट करके गई थी, और क्या कहते हैं ये बच्चों के कपड़े ये मैं अभी आपको दिखा दूँगी, और मेरी भी वो कितनी चीज़ें सेट करके गई थी कि भाभी ये तुम तब पहन लेना, ये ऐसे कर लेना, मतलब कहने का मतलब ये कि मेरे घर में क्या क्या है, मतलब सुई भी उन्हें पता होगी कि मेरे घर में वो सुई है और वो कहाँ रखी है क्योंकि, और ये इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि आप लोग ये समझो, इसके लिए भी ऐसी चीज़ है कि मैं भी उनके ऊपर इतनी ट्रस्ट करती हूँ कि मुझे भी किसी चीज़ को लेके ये नहीं होता कि हाय बहुत सारी भाभियाँ ऐसी होती हैं मतलब ये चीज़ हमने खुद भी एक्सपीरियंस किया कि झांकने भी नहीं देती हैं किसी को अपनी अलमारियों में, ये वो मेरा कभी ऐसा नहीं रहा है कि हाँ करो और सब कुछ करो, सबको सबके सामने क्या मैं छुपा के कहाँ ले जाऊँगी या कोई, और उन बिट्टों की भी आदत ऐसी नहीं, बहुत सी नंदे भी ऐसी होती हैं भाभी के पास क्या क्या है उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम लोग का दोनों का रिश्ता बस ट्रांसपेरेंट है। खैर बिट्टू से याद आया कि हाँ हम लोग जल्दी इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि बिट्टू के लिए भी कपड़े मतलब बिट्टू ने मंगवाए हैं कपड़े बच्चों के लिए, तो वो लेकर आने हैं, और हम क्या लाए हैं और मैं क्या क्या मतलब मम्मी पापा क्या क्या गिफ्ट्स दे रहे हैं तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। कुछ चीज़ें अभी यहाँ हैं, कुछ चीज़ें और दिल्ली जाके होंगी, वहीं से वहीं होंगी, तो क्या होगा वो मैं फिर लास्ट में आपको बता दूँगी, जो भी मेरे पास अवेलेबल है ना मैं वो दिखा देती हूँ, इतना तो आप समझ गए होंगे ना। चलो ये रहेगा, तो ये है इनायतों की टॉप, और मैं बिल्कुल नहीं खोल के दिखाऊंगी, है थोड़ी स्टाइलिश सी,
है थोड़ी स्टाइलिश, वैसे प्लेन टॉप नहीं है, लेकिन ये फिर जब अभी गिफ्ट्स वगैरह ओपन करेंगी ना, तब अगर वो दिखाएं तो देख लेना, क्योंकि मुझसे तय नहीं होते हैं और मुझे फिर लेट हो जाएगा, मुझे और भी बहुत सारे काम करने हैं। ये है इसके साथ जैगिंग, हाँ तो ये काफ़ी बड़ी है और काफ़ी कम्फर्टेबल भी है, और भैया साइज़ में आप लोग हंसेंगे, साइज़ में ये 8XL है, मैं कह रही हूँ ना काफ़ी बड़ी है, मतलब बड़े ही कपड़े लिए हैं। ये जो टॉप है ये भी काफ़ी बैगी है, टॉप का साइज़ देखें तो हाँ टॉप XL है और ये तो 8XL है। तो ऐसे करके हमें माशाल्लाह सही कपड़े मिल गए, और अभी चाह भी रही थी कुछ इस टाइप में, क्योंकि उसका मतलब एथनिक वेयर तो बहुत सारे हो गए हैं। तो खैर अब हम अफू के लिए लाए थे, तो अफू के लिए ये रखा से ऑफर्स में ब्लू थी, और ये तो अभी मैं बस आप ऐसे दिखा रही हूँ, तो ऐसे इसका ड्रेस है मैं अब और बाकी भी तो ये हैं भाई जी के कपड़े, ये जो वो होते ना मतलब मैं खोल के दिखाती हूँ। हाँ तो ये इस टाइप में है, सूटिंग और शर्टिंग का जो कपड़ा होता है ना, तो ये हैं, काफ़ी इसका अच्छा फैब्रिक है, मतलब देख के ही लाए थे तो वो अच्छा है, हमें तो अच्छा लग रहा है, बाकी पहनने वाले को पसंद आना चाहिए। ये है अप्पी का सूट, ये इसका फ़ोटो पता नहीं कहाँ चला गया, मुझे नहीं पता। ये एक वैसा सूट है जो आजकल चल नहीं रहे, इसमें शरारा नहीं है, प्लाजो है शायद, कुछ इस टाइप में है मतलब। तो ये वो वाला सूट है अपी के लिए, और अपी के दो कपड़े हैं, एक ये है और एक ये सूट है, ये कॉटन का है, तो ये अपी गर्मियों के मतलब का आराम से पहन सकती हैं, ये पार्टी वेयर है तो ये पहनेंगी। अपी के लिए एक और तोहफा है, वो भी दिखाती हूँ। तो ये है वो तोहफा, एक्चुअली अपी को मेकअप का बहुत ज़्यादा शौक है, आप लोगों को पता है, तो ये मैंने दिया है कलर्ड डिज़ायर आईलाइनर, बेलोरा पैलेस का है, और ये इसका कलर काफ़ी अच्छा है, अब इसमें दिख नहीं रहा, ये ब्लू है ना, ब्लू कलर है, तो मैंने कहा चलो मैं ये भी अपी को कॉम्प्लीमेंट देती हूँ, क्योंकि अपी को बहुत ज़्यादा शौक है, मैं तो इतना करती भी नहीं लेकिन अपी को बहुत शौक है। अब लाइनर लगाएं और लिपस्टिक न लगाएं तो ये तो नाइंसाफ़ी है, तो ये मैंने मामाअर्थ की ये लिपस्टिक दी है, रेड कलर इतना खूबसूरत है, ये मेरी भी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट लिपस्टिक है, ऐड नहीं कर रही हूँ लेकिन जस्ट बता रही हूँ, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। तो ये बहुत ही खूबसूरत रेड कलर है, यहाँ आपको देख भी रहा होगा, और मामाअर्थ की लिपस्टिक जो होती है ना इसका एप्लीकेशन भी बहुत अच्छा होता है, आप लोग सोचेंगे आप ऐड करें, मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, तो ये बस इस तरह की लिपस्टिक है। तो बस यहाँ पर मैंने कुछ कुछ चीज़ें ये सब अरेंज की हैं, तो आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, बाकी कुछ कुछ चीज़ें वहीं जाके होंगी तो वो आपको जो होगा वो आपको वहीं से दिखाऊंगी, ठीक है। तो बस ये अब मेरे काफ़ी सारे काम हो चुके हैं, मैंने साफ़ सफाई भी कर ली है, झाड़ू वाड़ू सब लगा ली, और यहाँ पर आप शोनू को देखोगे तो क्यूट लग रहा है मेरा शोनू, वो खोल के सो रहा है। तो यहाँ ना मैं बच्चों को आई थी उठाने के लिए, क्योंकि मुझे इन्हें जल्दी उठा के जल्दी चनू हंस भी दिया, हाँ तो मैं बताई थी कि मुझे इन्हें जल्दी उठा के जल्दी नहलाना धुलाना शुरू करना था, और हमें 8 बजे तक एनी हाउ निकलना था, हालांकि हम नहीं निकल पाए, लेकिन मैंने अपने सारे काम टाइम टू टाइम करने की कोशिश की, और मैं सहरी के बाद बिल्कुल भी नहीं सोई। अब थोड़ा बच्चे हैं, थोड़ा उठने में भी कर रहे थे, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं किया जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था, मुश्किल से 10 से 15 मिनट में बच्चे मेरे उठ गए थे। बाकी मैंने इन्हें कैसे उठाया और क्या लालच देके उठाया ये आप आगे मतलब देख लेना, लेकिन अभी मैं बस आपको यही बताना चाहती हूँ कि हमें लेट क्यों हो गई थी, क्या क्या चीज़ें ऐसी हो गई थी, आपको पता है कहीं जाना होता है तो ये सारी चीज़ें ऐसे हो जाती हैं। तो यहाँ पर बस पापा और उनके बच्चे आराम से सो रहे हैं, और पापा वैसे रोज़ सुबह 6 या 7 बजे उठ जाते हैं, लेकिन आज पापा भी नहीं उठ रहे, मतलब हमारे मायके क्या जाना है, लोगों के रवैये ही बदल गए हैं। खैर बहरहाल हम तो जाके रहेंगे, तो चलो अभी जल्दी से बच्चे को उठाती हूँ और फिर आपसे मिलूँगी, अल्लाह हाफिज़। जब चलो उठो चलो दिल्ली, दिल्ली कौन कौन जाएगा भैया, दिल्ली कौन कौन जाएगा, आयु जाएगी भैया, तू जाएंगे छोटू से, दिल्ली जाएगा, दिल्ली लिबू दिल्ली जाएगी, उज्जा ए लिबू रात को तो बड़े वादे कर रही थी, लिबू
ए लिबू उठो दिल्ली चलो, लिबू दिल्ली, लिबू